राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको लेडीज़ कार्डिगन और जेंट्स स्वेटर के लिए डिजाइन बना के दिखाऊंगी। बॉर्डर बना के अब पहली सिलाई से शुरू कर रहे हैं। पहले एक फंदा ये उल्टा बना लेंगे। ये फंदा हमारा डिजाइन सिलाई के लिए है, ये उल्टा बना लिया। अगर आपने सीधा बनाना सीधा बना लो, वो आपकी मर्जी है। फिर आगे तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे पीछे धागा करके छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छह। एक डिजाइन हमारा ये नौ फंदे का बनेगा, तीन उल्टे छह सीधे। फिर आगे तीन फंदे उल्टे छह फंदे सीधे। अगर आपने यहाँ जो उल्टे बना रही हूँ मैं, इस जगह तीन की जगह चार बनाना चाहो चार बना लो, दो बनाना चाहो दो बना लो। तीन चार पाँच छः, छः फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे छः फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, कोने वाला फंदा ये भी हमने सिलाई वाला ये भी उल्टा बना लिया। दोनों कोने पे चार चार फंदे उल्टे हैं, बीच में तीन तीन फंदे उल्टे आएंगे सारी जगह। दो दो चार दो छः। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। कोने वाला फंदा है जो, ये दोनों सिलाई में उल्टा बनाऊंगी मैं। आपने जिस तरह बनाना है यूं बना लेना। तीन फंदे ये सीधे बनाने हैं हमने, फिर छह फंदे हैं जो ये उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ। पीछे धागा करके तीन फंदे सीधे, फिर छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर तीन फंदे सीधे, कोने वाला फंदा उल्टा। दो सिलाई होगी। अब आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। तीन फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब जो ये छह फंदे सीधे बना रखे हैं इन पर डिजाइन डालना हमने। एक फंदा सीधा, फिर आगे की साइड से यूं सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। दो का एक कर दिया। अब हमने दो बार धागा लपेटना है, एक दो, दो जाली बना दी। अब आगे ये फंदा इस तरह पलट के दो का एक पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा। अब ये नौ फंदे बनाने हैं हमने। तीन फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब ये जो सीधे फंदे हैं इनका डिजाइन बनाना है। एक फंदा सीधा आगे की साइड दो का एक, फिर दो बार जाली बना देंगे, एक दो, दो बार लपेट दिया ये धागा। फिर अब ये तीन फंदे बच गए जो इनको पीछे की साइड दो का एक, हमने दो फंदे बढ़ा दिए दो बार लपेट के और दो फंदे घटा दिए। जितने फंदे घटाए हैं इतने फंदे बढ़ा दिए हमने, फिर एक फंदा सीधा। फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे उल्टे, कोने वाला भी उल्टा। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो। अब दो जाली आ गई, एक जाली तो हमने इस तरह बनानी है, यूँ उतार दिया। अब दूसरी जाली हमने यहाँ तक बनाना है। अब दोनों जाली बना दी। अब ये छह फंदे उल्टे बना दिए, तीन सीधे छह उल्टे, फिर पीछे धागा करके तीन फंदे सीधे, अपनी तरफ धागा करके पहले ये दो बना कर। अब दो जाली हैं, एक जाली तो यहाँ तक बनानी है, ये उतार दिया। अब दूसरी जाली हमने यहाँ ही तो नहीं बनानी, ये वाला फंदा उठा कर बनानी है, फिर दो फंदे उल्टे। अब ये छह फंदे उल्टे बना दिए, फिर तीन फंदे सीधे, कोने वाला फंदा उल्टा। अब आ गई पांचवी सिलाई, सीधी सिलाई। अब पांचवी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है,
कोने वाला फंदा उल्टा, फिर आगे तीन फंदे उल्टे, पीछे धागा करके अब इन दो का एक करना है। अब ये जो छह फंदे हैं इनका डिजाइन बनाना है, दो का एक, फिर ऐसे लपेट के जाली बना ली, और ये दो फंदे हैं जो एक दो, दो सीधे बना दिए, फिर लपेट के जाली बना ली, फिर ये फंदा इस तरह कर दिया, दो का एक। अब ये छह फंदे बना दिए हमने, छह फंदे के छह ही बना दिए, फिर तीन फंदे उल्टे। अब ये अगला डिजाइन है, पीछे धागा करके अब दो का एक, आगे की साइड से दो का एक, फिर लपेट के जाली बना ली, दो फंदे सीधे, फिर लपेट के जाली बना ली, दो का एक पीछे की साइड से, फिर ये तीन फंदे उल्टे। डिजाइन को सेट करने के लिए हमने ये तीन फंदे ज़्यादा डाल रखे हैं, अगर ये तीन ज़्यादा नहीं डालेंगे ये डिजाइन यहाँ कौन पाएगा। जैसे ये तीन उल्टे आ गए, ये तीन इस तरफ उल्टे कर दिए, ये डिजाइन सेट हो गया हमारा। ये तीन नहीं ज़्यादा नहीं डालेंगे तो ये डिजाइन हमारा एक कोने पे ये डिजाइन आएगा, एक पे ये तीन फंदे उल्टे आएंगे। अब आ गई छठी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब छठी सिलाई में जो फंदे जिस तरह दिखाई दे रहे हैं उनको इसी तरह बना लेंगे, तीन सीधे छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये ही नौ फंदे हमने आगे बनाने हैं, तीन सीधे छह फंदे उल्टे। फिर तीन फंदे ये सीधे, कोने वाला फंदा उल्टा। अब छह सिलाई का डिजाइन हमारा एक डिजाइन पूरा हो गया, देखो इस तरह बनेगा। अब यही छह सिलाई हमने बार बार बनानी है, पहले एक जाली बना दी, फिर दो जाली बना दी, एक इस तरफ एक इस तरफ। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो एक बार फिर मैं पहली सिलाई तो फिर बना के दिखा दूँ आपको। पहले हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे, ये सिलाई का हो गया, फिर तीन फंदे उल्टे, पीछे धागा करके छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये नौ फंदे हो गए, नौ फंदे का एक डिजाइन है, तीन फंदे उल्टे, छह फंदे सीधे। फिर तीन फंदे उल्टे, कोने वाला फंदा भी उल्टा। अब उल्टी सिलाई में जो फंदे जिस तरह दिखाई दे रहे हैं उनको यूँ बना लेंगे, तीन सीधे छह उल्टे, तीन सीधे छह उल्टे, इस तरह बनेगा।